All right, friends. So now we are starting today is a very very important one. और इसको काफ़ी लोग कवर अप नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने को ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इस टाइप का यू नो दैट चैप्टर है, जिसमें से कोई भी एग्जामिनर है अगर वो पेपर सेट करता है राइट, तो उसको एक क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेना ही पड़ेगा करके ना। तो आज हम लोग बात करते हैं एक अकाउंटिंग मेथड की, जो लास्ट अपने पास बचता है। दिस इज योर अकाउंटिंग मेथड, ये अपना कौन सा हो गया फ्रेंड्स, अकाउंटिंग मेथड, और इसको हम बोलते हैं विद द नेम ऑफ पार्शियल प्लान एंड सिंगल प्लान के नाम से जानते हैं। अगर आपको याद हो, इंटरमीडिएट में आपका एक था इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड राइट, आपको याद है हम लोग बात करते थे इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर। अगर इंटीग्रेटेड है इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय ओनली हेड ऑफिस, तो उसको हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड, याद है इंटीग्रेटेड। और इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन सेपरेटली एचओ एंड फैक्ट्री, ये आपका फैक्ट्री, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इंटीग्रेटेड बराबर। इसमें हमारा क्या रहेगा, दिस इज योर कैश बैंक देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये आपका रहेगा, और इसमें आपका रहेगा GLA जनरल लेजर एडजस्टमेंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल जनरल लेजर एडजस्टमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ये आपका क्या रहेगा, इज ए नॉन इंटीग्रेटेड बराबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अबाउट द सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान। तो सिंगल प्लान पार्शियल प्लान देर आर टू मेथड्स राइट, जैसे अगर आपने अकाउंटिंग में देखा हो तो एक अपना रहता है कैश सिस्टम और एक रहता है मर्केंटाइल सिस्टम। तो कैश सिस्टम का मतलब क्या है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ रिसीप्ट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैश सिस्टम। एंड इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय एक्रुअल बेसिस, तो हम उसको बोलते हैं आपका मर्केंटाइल सिस्टम राइट। एक आपका कैश बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एक आपका मर्केंटाइल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका एक आपका रहेगा सिंगल प्लान और एक आपका रहेगा पार्शियल प्लान। आपने कस्टमर को बोला, कस्टमर बोलता है सर मुझे कुछ नहीं समझता है, यू प्लीज गाइड मी प्रॉपरली कि ये क्या मेथड होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। बोले सबसे पहले हम उसको बोलते हैं भाई वेयर डू वॉन्ट टू मेंटेन योर बुक्स अकाउंट्स, वो आपको बोलते हैं सर आई वॉन्टेड टू मेंटेन HO, तो इसको हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बोलो इंटीग्रेटेड। इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय HO, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय HO, तो इंटीग्रेटेड। इसको क्या बोलेंगे, कैश है आपका, बैंक है आपका, डेटर्स है आपका, क्रेडिटर्स है, ये सब इसमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे। आपने कहा ठीक है, अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे तो फैक्ट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, दिस इज फैक्ट्री में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर नॉन इंटीग्रेटेड ऑफ अकाउंट इज ए बुक्स बराबर। नॉन, ये आपका नॉन इंटीग्रेटेड है और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड है बराबर। राइट फ्रेंड्स, ये आपका ओके। अब आपने कस्टमर से पूछा कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस, तो वो आपको बोलता है कि सर आई वांटेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। आपको क्या बोल रहा है कि सर मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा S1 की, तो उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा दिस इज योर से कॉस्ट शीट। उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट डिवाइडेड टू दिस इज योर
direct cost and this is your indirect cost. Okay, आपने सोचा कि चलो हम 1100 यूनिट्स बनाएंगे, किसकी? प्रोडक्ट S1 की. 1100 यूनिट्स हम लोग बनाएंगे S1 की. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है 10 केजी पर यूनिट एट द रेट ऑफ 10, आपका क्या हो जाएगा? 100 रुपीस. दिस इज 10 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 10, आपका कॉस्ट हो जाएगा 100 रुपीस. इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड. सब आपने सोचा 11,000 लगेगा, 1100 यूनिट्स बनेगी एट द रेट ऑफ 10, एंड सपोज आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा रुपीज 210, चार्ज प्रॉफिट 90 रुपीज, और आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दिस इज योर सेलिंग प्राइस इज रुपीज 300. दिस क्लियर नोट? व्हाट आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस? यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, आपने कॉस्ट शीट बनाया. व्हाट आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस? 1100 यूनिट्स ऑफ एस वन. दिस यू डिवाइड इन टू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 10 केजी एट द रेट ऑफ 10, 100, देन फैक्ट्री ओवरहेड 11,000, 1100, 10, 210, प्रॉफिट 90, और आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा से रुपीज 300. ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एचओ के अंदर. इसका मतलब इवन एवरी डे द प्राइस ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ ओवरहेड, आपने देखा होगा ना, ड्यू टू द इन्फ्लेशन आपका प्राइस ऑफ द मटेरियल इंक्रीज होता है, पेट्रोल डीजल एवरी डे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, बट यू कैनॉट इंक्रीज और डिक्रीज योर सेलिंग प्राइस एवरी डे. आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, वो ऐसा नहीं है आज 5 रुपए में मिल रहा है, सुबह 5 रुपीज 25 पैसे में मिलेगा, दोपहर को 5 रुपीज 50 पैसे में, नहीं. इवन द प्राइस ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आर चेंजिंग एवरी डे, बट यू कैनॉट चेंज योर सेलिंग प्राइस एवरी डे. इसका मतलब आपको जो सेलिंग प्राइस रखना है, उस सेलिंग प्राइस आपको क्या रखना है? रुपीज 300. आपको जो सेलिंग प्राइस रखना है, आपको जो सेलिंग प्राइस रखना है वो क्या रखना है? आपको सेलिंग प्राइस रखना है रुपीज 300. सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर? ये आपने सोचा था कि एक मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट की 1100 यूनिट्स बनेंगी, डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवर. होता क्या है कि अब आपने किया सपोज से एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन आपने किया सपोज से 1000 यूनिट्स. ओके, अब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया सपोज से 1000 यूनिट्स, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन, दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, एंड योर एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल टू से 1000 यूनिट्स. ओके, ये आपका स्टैंडर्ड और ये आपका एक्चुअल, इट मींस ये आपका रिलेटेड टू मटेरियल्स केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट, देन लेबर, लेबर में आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, देन योर फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज योर बजट एंड दिस इज योर एक्चुअल यूनिट्स, रिकवरी रेट, एक्सपेंस यूनिट्स एंड एक्सपेंस. सही है, सुनो समझे? अब आपने क्या सोचा था कि हम लोग कितने यूनिट्स बनाएंगे? 1100, लेकिन आपने बनाए कितने? 1000. मैंने आपको बताया था मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. अब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो गया? आपका 1000. एक यूनिट को बनाने में इट मीन्स 1000 इंटू 10 केजी, आपको कितना मटेरियल लगेगा? 10,000 केजी एट द रेट ऑफ रुपीज 10, एंड दिस कम्स टू 1 लाख. ये आपको प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था, 1 यूनिट को बनाने में 10 केजी
at the rate of 10. 10 hours at the rate of 10. 1000 into 10, 10,000 hours at the rate of rupees 10, and this comes to 1 lakh. 1100 units, ye 11,000 hours, and aapka recovery rate kya jayega? Rupees 10. Then 11,000 kg actual material used at the rate of 11, and this comes to 121,000. Then 11,000 hours at the rate of 11, and this comes to 121,000 unit, or aapka actual expense ho gaya, suppose say rupees 12,000. Aapka actual expense kya ho gaya? Say rupees 12,000. Say yes or no, please. Yeh aapka kya ho gaya? Actual production. Actual production kitna ho gaya? 1000 units. Kg rate amount. Yeh aapka kg actual mein. Yeh aapke budgeted hours, standard hours. Yeh aapke actual hours, actual rate. Yeh budgeted units, recovery rate. Yeh aapki actual units. Aur yeh aapka actual expenses. Say yes or no, please. Perfectly aapko samajh mein aa raha hai ya nahi hai. Yeh aapke pas given. अब आपको ये देखना है कि मुझे पार्शियल प्लान फॉलो करना है या मुझे सिंगल प्लान फॉलो करना है. बराबर, आपको पार्शियल प्लान फॉलो करना है या आपको सिंगल प्लान फॉलो करना है. ओके, तो आप जरा लिखिए कि सपोज अगर आप एचओ में फॉलो कर रहे हैं, दिस इज योर हेड ऑफिस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और आप प्लान फॉलो करते हैं पार्शियल प्लान. आप कौन सा प्लान फॉलो करते हैं? पार्शियल प्लान. आप पार्शियल प्लान फॉलो करते हैं. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर, पार्शियल प्लान आप फॉलो करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहां पे मेंटेन कर रहे हो? एचओ में. और प्लान आपका कौन सा है? प्लान है आपका पार्शियल प्लान. पार्शियल प्लान आपका है और एचओ में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं. बराबर. अब फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको याद हो, हम लोग क्या करते थे, याद है? एक प्रोसेस कॉस्टिंग करके हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे इंटरमीडिएट के अंदर. बराबर, इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे और उसका नाम था प्रोसेस कॉस्टिंग. उस टॉपिक का नाम क्या था बोलो? प्रोसेस कॉस्टिंग. तो हम लोग क्या करते थे, प्रोसेस में टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, जो भी एक्सपेंसेज है वो प्रोसेस में डेबिट कर देते थे, और जो भी इनकम है, मतलब जो फिनिश गुड्स बन के तैयार होगा उसको क्रेडिट. ऐसे ही यहाँ पे हम क्या मेंटेन करेंगे, वी विल मेंटेन वन अकाउंट एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज ए WIP अकाउंट. यहाँ पे हम क्या मेंटेन करेंगे, यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे एक अकाउंट मेंटेन करेंगे और उस अकाउंट का नाम हम क्या रखेंगे, WIP अकाउंट. उस अकाउंट का नाम हम लोग क्या मेंटेन करेंगे बोलो? WIP अकाउंट. वो जो अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे उस अकाउंट का नाम हम क्या बोलेंगे बोलो? WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट. अब देखो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन कर रहे हो? एचओ में. कौन सा प्लान है? पार्शियल प्लान. ओके, तो आप जरा देखिए कैसे हम लोग करेंगे. तो आप जरा लिखिए इसके अंदर, एज पर पार्शियल प्लान We will debit the WIP account. As per partial plan, we will debit the WIP account on the basis of actual. As per partial plan, we will debit the WIP account. As per partial plan, we will debit the WIP account on the basis of actual. On the basis of actual. And credit the same. And credit the same on the basis of standard. And credit the same on the basis of standard. हम लोग debit किस पे करेंगे? Actual पे करेंगे. Credit किस पे करेंगे? Standard पे करेंगे. Okay? तो as per this plan, partial plan का we are talking, as per this plan, we will debit the WIP account on the basis of actual and credit the same on the basis of standard. And analysis of variance and analysis of variance takes place at the end of the period.
मतलब आपका जो भी पीरियड है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, उसमें आपके एंड में आपका क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। आराम से आप समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, दिस इज योर पार्शियल प्लान है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, दिस इज योर एचओ है, बराबर है, एचओ है, ओके। अब आपने क्या खरीदा, आपने खरीदा मटेरियल 121, आपने क्या खरीदा, लेबर का पे किया 121, आपने ओवरहेड पे किया 12,000, ओके। देखो जरा, इट मींस दिस इज मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 121, लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 121, फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 12,000 एंड 2 कैश और बैंक, इट मींस 121 + 121 + 12 इज 2,54,000। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, 2 कैश बैंक एंड 2 कैश बैंक इज 2,54,000। आपने पेमेंट कर दिया, जो आपने परचेज किया था, जो ओवरहेड आपने पे कर दिया, ये आपकी पेमेंट की एंट्री। अब इसको मैंने क्या बताया, हम लोग चार्ज करेंगे, कहाँ पे इशू करेंगे, जैसे हम लोग इंटर में क्या करते थे, प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते थे कि नहीं, तो हम लोग क्या एंट्री लिखते थे कि प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू लेबर कंट्रोल अकाउंट एंड टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इट मींस 121 एंड 12,000, इट मींस दिस कम्स टू 2,54,000। ये हम लोगों ने जो इशूड किया WIP को, उसका एंट्री पास कर दिया। WIP को मैंने क्या, आपको क्या लिखा है, एज पर पार्शियल प्लान वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल। ये हमने पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट किया था, उसकी एंट्री जा गई। ये हम लोगों ने इशू कर दिया, उसकी एंट्री जा गई। अब आपका गुड्स बन के रेडी। मैंने आपको क्या बताया, एज पर पार्शियल प्लान वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एंड क्रेडिट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखो, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 210। हमारी यूनिट बन के तैयार हुई है 1,000 × 210, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन का, ₹2,10,000। एंट्री क्या पास हो जाएगी, इट मींस दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, इट मींस 1,000 × 210 इज 2,10,000। आपका गुड्स बनके रेडी। आपने डेबिट कितना किया था, आपने डेबिट किया 254, आपका WIP क्रेडिट कितने से हुआ, 210। बाकी का जो बचेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, वेरियंस। और वेरियंस हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे, एच पर पार्शियल प्लान वी विल कैलकुलेट द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपका एंड हो गया पीरियड, तब जाके हम क्या करेंगे, तब जाके हम लोग वेरियंस को कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब कौन कौन से वेरियंसेज हो जाएंगे आपके, पहला मटेरियल का आप ले लो, आपने क्या सोचा था, 1,00,000 रुपीज क्या कॉस्ट आ रहा है, 121। लेबर 1,00,000 रुपीज क्या आ रहा है, ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड, ये इट मींस पहला, दिस इज योर एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ये आपका कहां पे आ गया, एट द एंड ऑफ द ईयर एनालिसिस ऑफ
वेरियंस क्या हो जाएगा, इट मीन्स फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 1 लाख रुपीज, क्या कॉस्ट आ रहा है 121, कितने का लॉस हो गया 21,000 एडवर्स। देन दिस इज योर मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड दिस इज योर मटेरियल रेट वेरियंस। मटेरियल यूसेज 10,000 आपने सोचा था, एक्चुअल में 11,000 × 10 एंड देर इज ए लॉस ऑफ 10,000 एडवर्स। 10 की जगह 11 × 11,000 एंड दिस कम्स टू 11,000 एडवर्स। आपका हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 21, यूसेज 10 एंड रेट 11। ओके अब आप आ जाइए फ्रेंड, दिस इज योर लेबर लेबर कॉस्ट वेरियंस। ये आपका क्या हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था ₹1 लाख, क्या कॉस्ट आ रहा है 121, क्या कॉस्ट आ रहा है 121, क्या कॉस्ट आपका आ रहा है 121 एंड देर इज ए लॉस ऑफ 21,000। देन दिस इज योर लेबर एफिशिएंसी वेरियंस और ये आपका लेबर रेट वेरियंस। क्या एफिशिएंसी कितने आवर्स आपने सोचे थे 10,000 आवर्स, 11,000 × 10 देर इज ए लॉस ऑफ 10,000, रेट 10 की जगह 11 × 11,000 एंड दिस कम्स टू 11,000 एडवर्स। ये आपका क्या हो गया लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट। देन यू कम टू दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट एंड दिस इज टू बैंक, आपने कितना पे किया 12,000 एंड बाय रिकवरी इज 1,000 × 10 एंड दिस कम्स टू 10,000 एंड बाय अंडर रिकवरी इज ₹2,000। सो दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस इज रिकवर्ड ओवरहेड 10,000 माइनस आपका एक्चुअल ओवरहेड, आपका एक्चुअल ओवरहेड इज 12,000, आपको लॉस कितने का हो गया 2,000। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 10,000 खर्चा किया 11,000 देर इज ए लॉस ऑफ 1,000। वॉल्यूम मैनेजर ने बोला था 1100 यूनिट्स बनेंगे, बने 1,000 × 10 एंड दैट्स व्हाई देर इज ए लॉस ऑफ 1,000। ये आपका 1,000 और टोटल आपका लॉस हो गया ₹2,000। सही है, परफेक्टली क्लियर होना। ये आपके एनालिसिस ऑफ वेरियंस, अब एनालिसिस ऑफ वेरियंस में आपका क्या आ गया, एक आपका आ गया मटेरियल यूसेज 10,000, मटेरियल रेट 11,000, लेबर एफिशिएंसी 10,000, लेबर रेट 11,000, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस 1,000, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम 1,000। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका हो गया एनालिसिस ऑफ वेरियंस। यहां से आपका अब आप ले लीजिए एंड ऑफ द पीरियड में दिस इज योर एंड ऑफ द पीरियड, इट मींस अब आप आ जाइए फ्रेंड्स एंड ऑफ द पीरियड में कैसे करेंगे, मटेरियल यूसेज वेरियंस डेबिट, जो वेरियंस आपका एडवर्स है, जो वेरियंस आपको एडवर्स है वो आपका लॉस है, जो वेरियंस आपको फेवरेबल है वो आपको गेन है, इज 10,000 मटेरियल रेट वेरियंस डेबिट, 11,000 लेबर एफिशिएंसी वेरियंस डेबिट, 10,000 लेबर रेट वेरियंस डेबिट, 11,000 फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट, 1,000 फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस डेबिट, 1,000 एंड 2 WIP कंट्रोल इज 10 + 11 = 21 + 20 = 42 + 1 + 1 = 44,000।
अब देखो आपका WIP डेबिट कितने से हुआ था, आपका WIP डेबिट हुआ 254, क्रेडिट कितने से हुआ 210, क्रेडिट कितने से हुआ और आपका ये 10। सो एज पर पार्शियल प्लान आई विल रिपीट, एज पर पार्शियल प्लान वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, वी विल डेबिट द WIP अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिगर जो भी है, एंड वी क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, वी क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। और दोनों के बीच का एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक्चुअल स्टैंडर्ड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ वेरियंस। बराबर, वो वेरियंस है और वो वेरियंस कब कैलकुलेट होगा, वो वेरियंस कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपका कब कैलकुलेट होगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपका कब कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, आपका एंड ऑफ द पीरियड, ये कैलकुलेट करके खत्म कर दिया। अच्छा, अगर बाई चांस यहां तो मैंने आपको क्या बोला था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ मेंटेन कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ मेंटेन कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका कौन मेंटेन कर रहा है, बोलो, एचओ, हेड ऑफिस कर रहा है। बराबर, तो हमने यहां पे क्या ले लिया, कैश बैंक। अगर ये एचओ नहीं कर रहा है, यहां पे अगर फैक्ट्री होता तो सिर्फ एक ही जगह चेंज आता था, यहां पे कैश बैंक की जगह अपना क्या आ जाएगा, टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट या फिर टू GLA अकाउंट, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट या टू GLA अकाउंट, दैट्स इट। वो जो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला सिस्टम। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका है वो है सिंगल प्लान। तो अब आप लिखिए, आई कंटिन्यू द सेम एग्जांपल ओनली, दिस इज योर सिंगल प्लान, योर सिंगल एंड प्लान। आपका कौन सा प्लान हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सिंगल प्लान। एज पर दिस प्लान आप लिख लीजिए जरा, सिंगल प्लान आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, सिंगल प्लान। एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट, एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट, वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट कॉमा लेबर अकाउंट, वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट कॉमा लेबर अकाउंट कॉमा वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट कॉमा वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट कॉमा फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट कॉमा फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट। एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट कॉमा लेबर अकाउंट कॉमा वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट कॉमा फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। प्लीज अंडरलाइन दैट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल अकाउंट, लेबर अकाउंट, वेरिएबल ओवरहेड अकाउंट एंड फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, WIP ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। प्लीज अंडरलाइन दैट, डेबिट भी कहां पे होगा, स्टैंडर्ड पे होगा, क्रेडिट भी कहां पे होगा, स्टैंडर्ड पे होगा, ओके। एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन the transaction takes place. जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगा वो लिख के देगा कि कंपनी इज फॉलोइंग सिंगल प्लान, या एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। एक मैं क्वेश्चन भी आपको कराता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, यू टेक द सेम एग्जाम्पल। अब देखो,
आपका क्या था, मैंने आपको क्या बोला, एज पर दिस प्लान मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड डब्ल्यूआईपी वी विल डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। आप देखिए जरा, उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन पास होगा, जैसे ही आप एंट्री पास करोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पार्शियल प्लान का क्या है, अरे पार्शियल प्लान में हम लोग एनालिसिस करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, अरे यार हमको पढ़ना चाहिए कि हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप एग्जाम होने के बाद अगर आप करोगे तो उससे फायदा क्या है। तो सिंगल प्लान बोलता है कि नहीं भाई, एवरीडे आप एनालिसिस करो कि आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए था, आपने कितने घंटे पढ़ा, वो एवरीडे आप एनालिसिस करिए करके, एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस आप करिए करके, तब का काम हो जाए। ठीक है, अब देखो आपने कितने केजी मटेरियल खरीदा, बोलो 11,000, यू आर सपोज टू पे 10। जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा आपको पता चलना चाहिए, लेकिन आपने पे क्या कर दिया 11। इसका मतलब आपकी एंट्री कैसे पास होगी। यहां पर सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है राइट, आपका इट मींस मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वी विल डेबिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, कितना खरीदा है 11,000 एट द रेट ऑफ 10, 11,000 एट द रेट ऑफ 10 110,000, ये आपने क्या खरीदा है, जैसे जो मेटेरियल आपने खरीदा था ना फ्रेंड, मेटेरियल की एंट्री आप ले लीजिए, दिस इज योर मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 11,000 इंटू 10 इज 110,000, मेटेरियल रेट वेरियंस डेबिट 10 की जगह आपने 11 पे किया इंटू 11,000 एंड टू कैश बैंक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन बाय हेड ऑफिस इज 120। एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होगा आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा एंट्री है, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, आपने कितना मेटेरियल खरीदा था 11,000 रुपीज, यू आर सपोज टू पे एट द रेट ऑफ रुपीज 10 बट यू आर पेइंग 11, ये आपको डेबिट करना है स्टैंडर्ड से, मेटेरियल रेट आपको जो भी वेरियंस का फिगर है, बाकी का कहाँ चला जाएगा, आपका कैश एंड बैंक में आपका चला जाएगा। सही है, सुनो आपका कहाँ चला जाएगा, बोलो आपका चला जाएगा कैश एंड बैंक के। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना मटेरियल खरीदा 11,000 एट द रेट ऑफ 10, कितना रेट था 10 की जगह 11 इंटू 11,000 एंड टू कैश बैंक आपका हो गया। आर यू फॉलोइंग ऑन? तो जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हुआ, अभी एक साल के बाद आपको नहीं पता चलेगा, आपको ट्रांजेक्शन जैसे ही हुआ आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में आपको रेड दिखाएगा, ये येलो दिखाएगा राइट। तो इमिडिएटली यू कैन टेक द एक्शन, आपके जो भी बंदे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, भाई ऐसा क्यों हो रहा है करके ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों क्यों अपने को ये हुआ है करके ना। सही है सुनो, अब यही चीज आपको एक साल के बाद पता चलेगी तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखो एक यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल चाहिए 10,000, आपने इशू कितना कर दिया 11,000, तो इमीडिएटली आपको एंट्री पास करना है। इट मींस देखो ये क्या एंट्री आपका बात, एज पर दिस प्लान वी विल डेबिट द मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। सही है सुनो, ओके अब आप आ जाइए, दिस इज योर
say yes or no. Then WIP control account debit. 1000 यूनिट आपने बनाए, एक को बनाने में कितना लगना चाहिए? 10 kg, इट मीन 10,000 kg इंटू 10, आपका कितना आ जाएगा? ₹1,00,000. लेकिन आपने एक्चुअल में मटेरियल कितना इश्यू कर दिया? 10 kg का 11. मटेरियल यूसेज वेरियंस डेबिट 10 की जगह 11 इंटू 10 एंड दिस कम्स टू 10,002. मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इज 1,10,000. टू मटेरियल कंट्रोल 1,10,000. बोलो यस और नो फ्रेंड्स. परफेक्टली क्लियर ऑन इट. वी विल डेबिट द WIP अकाउंट. आपको कितना मटेरियल, 1000 यूनिट आपने बनाया, यू आर सपोज टू इशू 10 kg, 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 1,00,000. लेकिन आपने इशू कितना कर दिया? 10 की जगह 11 इंटू 10, 10,000 एंड टू मटेरियल कंट्रोल इज 11. सही है सुनो. सिमिलरली लेबर में आपको क्या, कितने आवर्स आपने पे किए? 11,000. यू आर सपोज टू पे एट द रेट ऑफ 10. इट मीन्स क्या एंट्री पास हो जाएगा? लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 11,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 10, 1,00,000, 10,000. देन लेबर रेट वेरियंस डेबिट 10 की जगह आपने क्या पे कर दिया फ्रेंड्स? 10 की जगह 11 इंटू 11,000 एंड टू कैश और बैंक इज 120. टू कैश इन बैंक 121. सही है, यू आर, जैसे ही आपका ये डेबिट होगा आपको पता चल जाएगा यार 1 rupee का क्यों एक्स्ट्रा पे किया. आप प्रोडक्शन मैनेजर को, आप रेट मैनेजर को, आप HR का जो रेट मैनेजर है उसको आप फोन करके पूछ सकते हो, भाई आपने तो बोला था 10 rupees रेट, वाई यू आर पेइंग 11. तो यू कैन टेक इमीडिएटली एक्शन. आप कब एक्शन ले सकते हैं बोलिए? You can take immediately action. आप कब एक्शन ले सकते हैं? You can take immediately action. आप immediately action ले सकते हैं, यार ये मिस्टेक हुआ है करके ना. ओके? और यही चीज अगर आपको एक साल के बाद पता चलेगी तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते करके ना. अब देखो, अब आप आ जाइए लेबर में. लेबर में आपका क्या हो गया? आपको कितने आर्स इशू करने चाहिए थे? आपको कितने आर्स इशू करने चाहिए थे? आपको इशू करने चाहिए थे 10,000 आर्स, 1,000 इंटू 10. लेकिन आपने आर्स कितने इशू कर दिए? 11,000. 1,000 आपका कहाँ चला जाएगा? वेरियंसेस में. डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट. WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,000 यूनिट्स इंटू 10. It means 10,000 hours at the rate of rupees 10 is 1,00,000. And then labor efficiency variance debit. Labor efficiency variance debit 10,000 की जगह हमने कितने hours issue कर दिए? 11,000. It means 10,000 की जगह 11,000 into 10 and this comes to 10,000 and 2. लेबर कंट्रोल अकाउंट इज 1,10,000. सही है, आपका लेबर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? इज 1,10,000. यू आर सपोज टू पे, कितना एक्सपेंस आपको पे करना चाहिए था? 11,000. आपने पे कितना किया? 12,000. यू आर सपोज टू पे 11,000, आपने पे कर दिया 12,000. इट मीन्स फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 11,000
फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट 1000, क्यों? क्योंकि 11 की जगह आपने क्या पे कर दिया 12, एंड टू कैश बैंक आपका क्या हो जाएगा 12000, टू कैश बैंक एंड दिस कम्स टू 12000, टू कैश बैंक आपका कितना हो जाएगा 12000, सही है सुनो। अब आपका गुड्स बन के रेडी, राइट? तो आपका कितना गुड्स बना है 1000, तो आप ओवरहेड कितना चार्ज कर सकते हो ओनली फॉर 1000, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू व्हाट इज द रिकवरी रेट 10000, ओके। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस डेबिट इज 1100 यूनिट्स बनने चाहिए थे, बने 1000 इंटू 10 एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ 1000, एंड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इज 11000। गुड्स बन के आपका रेडी, इट मींस फिनिश गुड्स डेबिट टू WIP 1000 यूनिट बने हैं एट द रेट ऑफ 210 एंड दिस कम्स टू 210000, सही है सुनो। अब अगर आप डेबिट का टोटल देखेंगे WIP का डेबिट का टोटल 1 लाख रुपीस, WIP का डेबिट का टोटल 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस, 2 लाख और 10000, 210000, ये आपको क्या मिलेगा टैली, क्योंकि ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ है, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस आपने क्या कर दिया है एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। अभी तक एग्जाम में नए सिलेबस के में ये नहीं पूछा है, ओके, लेकिन कभी भी पूछ सकता है। हर क्वेश्चन आपको पार्शियल प्लान से करना है, जो मैंने आपको सिखाया आपको वही फॉलो करना है, लेकिन बाय चांस अगर उसने बोल दिया कि एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस या एट द टाइम ऑफ परचेज, तो फिर आपको ये करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं तो आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको हर क्वेश्चन मैंने पार्शियल प्लान से ही कराया है, बराबर। अब आपको मैं एक सिंगल प्लान से कराता हूं। जैसे रिफर क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 11.28, देखिए जरा अपना फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, ओके। इसमें कुछ बोला नहीं है, मैं बताता हूं आपको कैसे बोलेगा ये। जेड लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट एम, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एम इज एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल 2 मीटर्स एट द रेट ऑफ 6.12, डायरेक्ट लेबर 1 आवर एट द रेट ऑफ 4.4, वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर एट द रेट ऑफ ₹3। ड्यूरिंग जुलाई 2004 6000 यूनिट्स ऑफ एम वर प्रोड्यूस्ड एंड द रिलेटेड डाटा आर एज अंडर, डायरेक्ट मटेरियल एक्वायर्ड 19000 एट द रेट ऑफ 5.7। जब मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किया था तो हम लोगों ने कौन सी मटेरियल लिया था, मटेरियल कंज्यूम्ड क्वांटिटी हमने लिया था, बराबर, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है तो कौन सा प्लान लेने का पार्शियल प्लान, अगर बोला नहीं है तो कौन सा प्लान लेने का इज ए पार्शियल प्लान। डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 1500 एडवांस, वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। देयर वर नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर एंड वर्क आउट ऑल द रिलेवेंट वेरियंस। ब्रैकेट में आप लिखिए द कंपनी इज फॉलोइंग सिंगल प्लान,
द कंपनी इज फॉलोइंग सिंगल प्लान, और आप लिख लीजिए, और द एनालिसिस ऑफ वेरियंस, और द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन, द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्स प्लेस एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अब एक ही जगह डिफरेंस है, वो जरा समझ लीजिए, मैं आपको वापस से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेप नंबर वन, एंड दिस इज योर मटेरियल वेरियंस। स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट केजी रेट अमाउंट लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट वेरिएबल ओवरहेड आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट एंड अमाउंट। जेड लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट एम। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एम इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 2 मीटर्स एट द रेट ऑफ 6, डायरेक्ट लेबर 1 आर एट द रेट ऑफ 4.4, वेरिएबल ओवरहेड राइट फ्रेंड्स, ड्यूरिंग जुलाई 2004 6000 यूनिट्स ऑफ एम वर प्रोड्यूस एंड द रिलेटेड डाटा एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल एक्वायर्ड 19,000, मटेरियल कंज्यूम्ड 12,670, डायरेक्ट लेबर आवर्स का अपने को नहीं पता है, वेरिएबल ओवरहेड का अपने को नहीं पता है, कॉस्ट इज गिवन। अब आप देखिए, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज, दिस इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स एंड दिस इज मीटर्स, मीटर्स 6,000 इंटू 2 मीटर्स ट्वेल्व थाउजेंड रेट 6, 72,000, 6,000 इंटू 1 आर 6,000 into 4.4, 6,000 into 1 hour is 6,000 into 3 is 18,000, 6,000 into 4.4 is 26,400. डायरेक्ट मटेरियल एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इज 19,000 और कंज्यूम्ड इज 12,670। वी आर फॉलोइंग सिंगल प्लान, यहीं पे आपका डिफरेंस है, सिंगल प्लान, बाकी का सारे वेरियंसेस सेम रहेंगे, ओनली एक ही जगह डिफरेंस है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ओके। क्या रेट है, एट द रेट ऑफ 5.7, 19,000 to 5.7 is 1,08,300. Then 27,950 and then 20,475. Then 20,475. ओके
then this is your material variance. अब material variance में सबसे पहले आपका क्या आएगा friends, इज ए क्या रेट आपने सोचा था, आपने सोचा था 6 rupees, क्या आपने पे किया 5.7, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस आपका क्वांटिटी क्या आ जाएगा, एक्वायर्ड क्वांटिटी, कितना आपने परचेज किया है 19,000, 6 minus 5.7 into 19,000 एंड दिस कम्स टू 5,700. अगर यही ये आपका कौन सा प्लान हो गया, दिस इज योर सिंगल प्लान, सिंगल प्लान. अगर ये पार्शियल प्लान होता तो हम क्या करते थे, 6 minus 5.7 into quantity consumed, दिस इज एच पर पार्शियल प्लान, दिस इज एच पर पार्शियल प्लान. ये आपका सिंगल है, ये आपका पार्शियल है. इट मीन्स 6 minus 5.7 into 12,670 is 38,01. यही दोनों का डिफरेंस है, ये आपका पार्शियल प्लान हो जाएगा और ये आपका सिंगल प्लान हो जाएगा. 5700 और 38,01 से यस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इजे समझिएगा. बाकी का आपका सब सेम है, अगर अपन कंजम्पशन वाला पार्ट देखेंगे तो आपका सेम ही आएगा, दोनों में सेम है. 12,000, 12 की जगह आपने कितना कंज्यूम किया, 12,670. दिस इज मटेरियल यूसेज, 12,000, 12 की जगह 12,670, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 12,000 माइनस 12,670 इनटू 6 इज 4020 एडवर्स. ये आपका मटेरियल यूसेज हो जाएगा. लेबर का अगर अपन देखें, लेबर रेट वेरिएंस, ओके, क्या रेट आपने सोचा था, क्या रेट आपने सोचा था 4.4, लेकिन आपको एक्चुअल रेट नहीं मालूम है. इट मीन्स 4.4 माइनस आपको एक्चुअल आवर्स भी नहीं पता है. देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन हम लोग वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको दे रखा है 1500 एडवर्स, इसका मतलब कितने आर्स अलाउड थे, देखो जरा कितने आर्स अलाउड थे, 6000, कितने आर्स अलाउड थे, 6000 एट द रेट ऑफ रुपीज 3. सो 6000 आर्स अलाउड थे माइनस इनटू 3, सो दिस कम्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस कम्स टू 6500, ओके. और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6500, ये दोनों जगह आपके आर्स के आ जाएंगे 6500. 27,950 divided by 6,500 is 4.3 and 24,750 divided by 6,500 is 3.15. 4.4 की जगह 4.3 into 6,500, 4.4 की जगह 4.3 into 6,500 is 650 and 650 is a favorable. और आर्स में 6 की जगह 6,500 into 4.4, इट मीन 6,000 less 6,500 into 4.4 is 2,200 adverse. सिमिलरली आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 rupees रेट था, लेकिन एक्चुअल रेट आपका क्या आ रहा है, 3.15 into 6,500, इट मीन्स 3 minus 3.15 into 6,500 is 975
आपका क्या हो जाएगा 975 एडवर्स। सही है सुनो, बोलो या सुनो, बस इतना ही डिफरेंस है, खाली एक ही जगह पे डिफरेंस है। यहां पे हम अगर पार्शियल प्लान रहेगा तो कंज्यूम्ड क्वांटिटी लेना है, और सिंगल प्लान है तो परचेज। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता है कि कंपनी इज फॉलोइंग सिंगल प्लान या कंपनी डू द एनालिसिस एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, तो आपको ये लेना है। अदरवाइज हर क्वेश्चन आपको पार्शियल प्लान से करना है, आपको दूसरा कुछ भी सोचना नहीं है। आर यू फॉलोइंग ऑन नोट? परफेक्टली क्लियर हो? ओके, बाकी के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट में कराता हूँ। ओके, थैंक यू। तो मॉड्यूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू।